आप किस सोच में घूमे? इतनी इतनी खामोशी से क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं, बस इंसान का कभी कभार दिल करता है कि वो खामोश रहे। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आर्या परी से बहुत अटैच हो गई है और मुझे नहीं लगता कि आर्या कभी भी एनी आपी को भुला सकेगी। उसके बारे में सोचती हूँ तो जहन में इतने ख्यालात आने लगते हैं, और शावेज भाई की अम्मी उनकी दूसरी शादी करवाने का सोच रही हैं। भला ऐसी कौन सी औरत होगी जो आर्या को माँ वाला प्यार दे? पता नहीं उसका क्या मुस्तकबिल होगा। आप बिलावजह परेशान हो रही हैं। ये एक हकीकत है कि शावेज को आज नहीं तो कल दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी, और फिर वक्त लगेगा, लेकिन वो अपनी शादी और बीवी को कबूल भी कर लेंगे। रहा सवाल आर्या का, तो शावेज उसके लिए ऐसी ही माल आएगा ना जो उससे प्यार कर सके, उसका ख्याल रख सके। एक हकीकत यह भी है कि खाला, मामू, नानी सब ऐसे रिश्ते हैं कि जितना भी कर लें रहते पराए हैं, अपना हक नहीं जता सकते। क्या हमारा आर्या पे कोई हक नहीं है? क्या हम उसके मुस्तकबिल के लिए फैसला नहीं ले सकते? कैसी कौन सी औरत होगी जो उसकी बेहतरीन मां बन सके? पता नहीं सौतेली मां कैसी होगी, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक करे। और शावेज भाई तो आधे वक्त घर पे भी नहीं होते, और उनकी वालदा भी बहुत बूढ़ी है। कुछ नहीं होगा ऐसा, आप बिला वजह परेशान हो रही। बहुत रात हो गई है, सुबह भी जल्दी उठना, चेंज करें और सो जाएं।